गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये लास्ट यूनिट का टॉपिक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली यूनिट्स का। इसमें एक टॉपिक आता है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो जो रेक्टिफायर होते हैं वो क्या करते हैं पहले अपन ये समझेंगे, उसके बाद जो रेक्टिफायर के टाइप्स हैं वो अपन को देखना है। तो एग्ज़ाम में कभी कभार ये क्वेश्चन आता है 7 नंबर में, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो रेक्टिफायर होता है और एक इन्वर्टर होता है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, जो एसी सप्लाई होगी उसको वो डीसी में चेंज करेगा रेक्टिफायर। और एक दूसरा इक्विपमेंट होता है उसे हम कहते हैं इन्वर्टर, वो क्या करता है डीसी को एसी में चेंज करता है। हम बोलते हैं कि हमारे घर में इन्वर्टर लगा है, तो इन्वर्टर के अंदर जो घर में इन्वर्टर होता है उसमें दोनों सिस्टम होते हैं, एक होता है रेक्टिफायर और दूसरा होता है इन्वर्टर, बोथ होते हैं उसके अंदर, रेक्टिफायर भी होता है और इन्वर्टर भी होता है। क्योंकि जैसे ही लाइट चली जाती है तो सप्लाई हमको लेना पड़ती है बैटरी से, बैटरी होती है डीसी और हमारा जो फैन होता है एसी। तो उस जगह हम क्या करते हैं डीसी को चेंज करते हैं एसी में और फिर वो सप्लाई देते हैं फैन को, तो वहाँ जो सिस्टम लगेगा उसे हम बोलते हैं इन्वर्टर। ठीक है, लेकिन जब लाइट आ जाती है तो उसी बैटरी को अपन को चार्ज करना रहता है। तो अब उस बैटरी को अगर हम चार्ज करेंगे तो बैटरी ऑपरेट होती है डीसी पे, आपकी घर की जो सप्लाई है वो है एसी। तो हमें अब बैटरी को चार्ज करना है तो हम क्या करेंगे, पहले एसी सप्लाई को डीसी में चेंज करेंगे और फिर वो डीसी हम देंगे बैटरी को ताकि बैटरी चार्ज हो जाए। तो रेक्टिफायर इट्स कन्वर्ट एसी टू डीसी, मतलब यहाँ पर लिखा है मैंने एसी टू डीसी। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी टू डीसी में चेंज करता है। रेक्टिफायर के 3 टाइप्स होते हैं, पहला होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव, तीसरा होता है ब्रिज। इन सभी के अंदर, रेक्टिफायर के अंदर हम डायोड का यूज़ करते हैं। डायोड एक यूनिजंक्शन डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा डायोड। इसमें डायोड एक ही डायरेक्शन में काम करता है, ओनली फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन में डायोड काम करता है, रिवर्स डायरेक्शन में डायोड काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है उसमें हम एक डायोड का यूज़ करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड का यूज़ करते हैं और ब्रिज रेक्टिफायर में हम कितने डायोड का यूज़ करते हैं, 4 डायोड का यूज़ करते हैं। तो हाफ में 1 डायोड, फुल में 2 डायोड एंड ब्रिज के अंदर 4 डायोड का हम यूज करते हैं। तो अभी हम दोनों देखेंगे, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो यहाँ मैंने एक हाफ वेव रेक्टिफायर बनाया है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हमने इसको जो सप्लाई देते हैं, आपने देखा कि रेक्टिफायर का काम होता है एसी टू डीसी। तो जो आप सप्लाई दोगे वो एसी दोगे, जो आउटपुट पे आपको मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा, डीसी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ एक सप्लाई लगाई एसी, यहाँ एक सप्लाई लगाई है एसी, बीच में हमने यहाँ एक ट्रांसफार्मर लगाया है। ट्रांसफार्मर इसलिए लगाया है कि कभी कभार क्या होता है, हमें छोटे इक्विपमेंट के अंदर सप्लाई देनी रहती है, वहां हमें डीसी में चेंज करना रहता है और यहाँ तो डायोड के अंदर जो हम सप्लाई देते हैं वो कम वोल्टेज में देते हैं। तो अगर आप ज़्यादा वोल्टेज की सप्लाई उसमें दे दोगे तो वो डायोड जल जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो हमें उस केस में हम क्या करते हैं, जो रेक्टिफायर के अंदर ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं वो ट्रांसफार्म होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे वो कम होंगे। तो उसमें हम जो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ताकि वोल्टेज को हमें कम करना है, फिर वो वोल्टेज हम सप्लाई अपने डायोड्स को देते हैं। तो यहाँ देखिए, इधर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं, इधर नंबर ऑफ टर्न कम हैं, तो यहाँ जो हमने ट्रांसफार्मर यूज़ किया उस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। फिर हमने यहाँ एक डायोड लगाया है सिंगल, एक डायोड में यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, डायोड काम करेगा और अगले निगेटिव हाफ साइकिल में डायोड काम नहीं करेगा। तो फर्स्ट में वो हो जाएगा फॉरवर्ड वाइज और सेकेंड हाफ साइकिल जो निगेटिव वाला होगा उसमें वो हो जाएगा रिवर्स वाइज। ठीक है, तो यहाँ हमने एक एसी साइकिल बनाई सिंपल,
ठीक है, 0 पाई एंड 2 पाई। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, इसमें आउटपुट देखना है। तो जैसे ही आपने इसमें सप्लाई दी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव रहेगा, ये निगेटिव रहेगा, तो ये डायोड ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाने का मतलब इसके अंदर से करंट फ्लो हो जाएगी, और जब किसी वायर में से करंट फ्लो होती है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये जो डायोड है ये कैसा रिएक्ट करेगा, शॉर्ट रिएक्ट करेगा। मतलब इस सर्किट के अंदर आपको करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होने के बाद जो आपको आउटपुट मिलेगा वो मिल जाएगा, और वो जो आउटपुट होता है वो कहां से कहां तक मिलेगा, 0 से पाई तक, ठीक है। अब जो दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, तो जब यहां नेगेटिव होगा यहां पॉजिटिव होगा तो ये जो डायोड होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, और जब रिवर्स वाइज होता है तो डायोड काम नहीं करता, मतलब उसमें से करंट फ्लो नहीं होती, तो ये डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट, तो इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगी। तो डायोड फिर यहां पर क्या करेगा, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, पॉजिटिव वाले में, नेगेटिव वाले में नहीं करेगा। तो इस डायोड के कारण जो आउटपुट आएगा वो एक ही आएगा, और कहां से कहां तक आएगा, ओनली 0 से पाई तक, ठीक है। और जो सर्किट बनेगा निगेटिव हाफ साइकिल मैंने जब दी तो डायोड एक्ट एज ए ओपन सर्किट। ये ट्रांसफार्मर का इधर वाला प्राइमरी है, मैंने बनाया नहीं, इधर वाला बनाया। यहाँ जो आरएल लगा है ये आरएल कहलाता है लोड रेजिस्टेंस। तो ये जो मैंने बोर्ड पे अभी बनाया ये कहलाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। बनाइए इसको जल्दी से, फिर अपन दूसरा देखते हैं। भैया अब इसमें ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर था इसमें आउटपुट हमें मिलता था 0 से पाई तक, क्योंकि ये डायोड एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है, वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में। वो जो आउटपुट मिल रहा है वो 0 से पाई तक मिल रहा है। अगला जो आउटपुट है 0 पाई से 2 पाई, उसमें जो डायोड होगा वो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव मतलब रिवर्स बायस हो जाएगा। जब रिवर्स बायस होगा तो एक्ट एज ए कैसा हो जाएगा, ओपन सर्किट, और जब ओपन सर्किट होगा तो उसमें आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो ये जो आउटपुट होगा वो कहां से कहां तक होगा, पाई से लेके 2 पाई।
ठीक है। तो यहाँ पाई से लेके 2 पाई आपको क्या करना है कि कोई भी आउटपुट नहीं दिखाना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब उसमें हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में ध्यान से देखिए इधर, फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड लगाते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर में हम 2 डायोड लगाते हैं, ठीक है। एक डायोड हमने यहां लगाया, दूसरा डायोड यहां लगाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने ये डायोड लगाया और डायोड में यहां सपोज हमने आरएल लगा दिया, तो ये जो आरएल है यहां पर लगा हुआ है, 2 डायोड हैं। इस डायोड का नाम यहां हमने ले लिया D1, इस डायोड का नाम ले लिया हमने D2, ठीक है। अब जैसे ही यहां पर ये जो आरएल होता है ये यहां नहीं होता, ये आरएल यहां नहीं होता, ये आरएल जो होता है बीच में होता है इस जगह, ठीक है, बीच में होता है आरएल। कौन से फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आरएल होगा वो बीच में होगा। 2 डायोड लगाए मैंने D1 एंड D2, दोनों डायोड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, मतलब एक का पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। एंटी पैरेलल का मतलब एक का पॉजिटिव एक का नेगेटिव, दूसरे का नेगेटिव और पहले का पॉजिटिव। अब हम बात करें यहां पर, तो इस केस में देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, जब पहला हाफ साइकिल होगा तो उसमें ये डायोड D1 काम करेगा, फिर दूसरा जो रिवर्स साइकिल होगा नेगेटिव हाफ साइकिल उसमें कौन सा डायोड काम करेगा, D2 काम करेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं। तो जो आउटपुट आएगा वो यहां तो D1 आ जाएगा और ये वाला जो आएगा ये आपका D2 आएगा। पहले वाले में D1 काम करेगा पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और दूसरे नेगेटिव जो हाफ साइकिल होगा या दूसरा साइकिल जो होगा उसमें कौन सा डायोड काम करेगा, D2 काम करेगा। तो आउटपुट हमें कहां से कहां तक मिलता है, 0 से 2 पाई तक, ठीक है। तो अब यहां पर अगर हम सर्किट की बात करें कि सर्किट कैसा बनेगा, तो इसमें देखिए फर्स्ट में डायोड शॉर्ट रहेगा, यहां पर आरएल नहीं रहेगा, इधर देखिए यहां आरएल नहीं रहेगा, आरएल अपना बीच में है, ये आरएल हो गया। यहां ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, मतलब इसको टैपिंग को ऊपर नीचे चेंज कर सकते हैं अपन। इसके बाद ये जो डायोड होगा ये एक्ट एज ए पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ये एक्ट एज ए ओपन सर्किट होगा। यहां ये डायोड है शॉर्ट सर्किट कब होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, और ये डायोड D2 कैसा हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, मतलब आपको S में आउटपुट मिलेगा ये वाले सर्किट में, क्लियर है। अब हमने इतना बनाइए जल्दी से, तो दूसरा देखते हैं, इतना बना लिए। ये डायोड, ये फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है और इसकी ये वेव फॉर्म है। इसमें डायोड D1 एंड D2 आपको मिलेगा, यहाँ डायोड D1 एंड D2 लगाना है, बीच में आपने एक लोड लगाया, लोड मतलब आरएल लगाया, और यहाँ इसमें हम आउटपुट मेजर करते हैं कि इसमें आउटपुट हमें कितना मिल रहा है आरएल के क्रॉस, आरएल के क्रॉस आउटपुट मेजर करते हैं। तो यहां पर ये सर्किट हो गया, ये वेवफॉर्म हो गई, और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में फर्स्ट डायोड रिएक्ट करेगा एक्ट एज ए शॉर्ट सर्किट, एंड सेकंड वाला एक्ट रिएक्ट करेगा एक्ट एज ए ओपन सर्किट। कौन सा डायोड, डायोड D2 ओपन होगा और फर्स्ट वाला शॉर्ट होगा। ये एक हाफ साइकिल के लिए है, कब, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यहां इधर बना रहा हूं, ये कब होगा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए होगा, ठीक है। इतना बनाइए, फिर नेगेटिव पर बनाते हैं अपन। जितने भी लोग आ गए हैं अपनी ब्रांच या रोल नंबर जरूर डालिए।
हो गया। ये वाला सर्किट बनाना है फुल वेव रेक्टिफायर में। ये दोनों वेवफॉर्म बताएंगे, डायोड D1 एंड D2, आउटपुट 0 से 2 पाई तक। फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 काम करेगा, सेकंड हाफ साइकिल में डायोड D2 काम करेगा, ठीक है। अब ये वाली जो हमने बनाया है, इसमें इसको शॉर्ट कर दिया, इसको ओपन करा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ। अब जो निगेटिव हाफ साइकिल होगा, इधर देखिए, यहाँ जो निगेटिव हाफ साइकिल होगा, जो निगेटिव वाला रहेगा, उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ ये चेंजेस होंगे। इसमें सबसे पहले RL यहाँ से अलग हटेगा, इस जगह पर RL को यूज करेंगे, बीच में यहाँ RL रहेगा, इधर ये सेंटर टेप रहता है, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट करते हैं। इस केस में ये ओपन हो जाएगा और यहाँ जो डायोड होगा, इस डायोड को अपन को क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो ये डायोड कौन सा होगा, D2, ये डायोड कौन सा होगा, D1। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 काम करेगा और ये इससे अपन को आउटपुट मिलेगा, ये वाले सर्किट से। ये क्लोज सर्किट दिख रहा है, ऐसे यहाँ ऊपर वाले में देखो, ये क्लोज सर्किट था, ये ओपन था, तो ये क्लोज सर्किट था, तो यहाँ से आउटपुट मिलेगा। और सेकंड नेगेटिव हाफ साइकिल में यहाँ नीचे वाले से हमें आउटपुट मिलेगा, तो उस केस में जो आउटपुट मिलता है वो हमें मिलेगा पाई से 2 पाई, ठीक है। ये किसके लिए है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, और ये किसके लिए था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। डायोड D1 ओपन एंड D2 कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, इसको शॉर्ट मतलब कंडक्शन करेगा डायोड D2, ठीक है। कौन से हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में। अगर हम दोनों को एक साथ लगा देते, दोनों को एक साथ लगा दें तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमने दोनों को क्या करा, एंटी पैरेलल लगाया है। इसको भी बना लेंगे जल्दी से। ये वाला फुल वेव है, ये जो अपन ने अभी बनाया, पहले वाला था हाफ वेव और दूसरा वाला है ये फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव के में 2 डायोड यूज होते हैं, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड यूज होंगे। अगर इनकी हमें करंट निकालना है, लोड करंट, तो फॉर्मूला होता है IL = Vm/R। तो ये जो R होता है, ये 2 होते हैं, एक होता है Vm मैक्सिमम वोल्टेज, R की जगह होगा RL + RD। ये RD क्या होता है, RD मतलब डायोड का जो रेजिस्टेंस होता है मिनिमम, वो RD कहलाता है डायोड रेजिस्टेंस, और RL कहलाता है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ Vm क्या कहलाता है, मैक्सिमम वोल्टेज। तो अगर करंट निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। इसको उतार लीजिए जल्दी से। लोड करंट अगर निकालना है तो जो तीसरा मैंने बोला था ब्रिज रेक्टिफायर, तो ब्रिज रेक्टिफायर में
इस टाइप का डायग्राम बनता है, जैसे सपोज ये डायोड D1, फिर ये D2, फिर ये D3 और ये D4। तो डायोड D1 एंड D2 जो है ये काम करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, फिर नेगेटिव हाफ साइकिल में ये दोनों डायोड काम करेंगे, ये उल्टा बनेगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन से काम करेंगे? D1 एंड D4। सेकंड दूसरे हाफ साइकिल में कौन काम करेगा? D2 एंड D3। ठीक है, तो ये कहलाता है ब्रिज रेक्टिफायर। और ये अभी अपने सिलेबस में नहीं है, तो रेक्टिफायर अगर आता है खाली शॉर्ट नोट्स में तो तीन टाइप के होते हैं, हाफ वेव, फुल वेव एंड ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव में एक डायोड, फुल वेव में दो डायोड एंड ब्रिज रेक्टिफायर में तीन डायोड। ठीक है, आप लोगों को एक टॉपिक है ये, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पोर्शन था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, ट्रांजिस्टर वाला, वो ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर वाले यूनिट्स में जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था उसमें लास्ट वाला जो टॉपिक था उसमें चार पांच टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा, सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, इंटेंसिक और एक्सटेंसिक, ये दोनों हमें मालूम होना चाहिए। फिर एक्सटेंसिक कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पी टाइप और एन टाइप। तो इनमें डिफरेंस भी आता है या फिर एक्सटेंसिक या इंट्रेंसिक में डिफरेंस आता है, तो ये चारों चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि इंट्रेंसिक किसे कहते हैं, एक्सटेंसिक किसे कहते हैं, पी टाइप किसे कहते हैं और एन टाइप किसे कहते हैं। ये है सेमीकंडक्टर की बात। फिर आता है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायोड, डायोड किसे कहते हैं, डायोड की क्या वर्किंग है, डायोड के अंदर VI कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे ड्रॉ होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आता है वो BJT पे आता है कि BJT की वर्किंग क्या है, BJT किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे कार्य करता है, कैसा कंस्ट्रक्शन है BJT का। ठीक है, ये क्वेश्चन सेपरेट आएगा कि क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे वर्क करता है। फिर दूसरा आता है BJT की क्लासिफिकेशन, किस टाइप से उसको बायसिंग करते हैं, कॉमन अमीटर, कॉमन कॉन्फ़िगरेशन जिसको अपन ने नाम दिया ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन अमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाता है मोड्स ऑफ ऑपरेशन कि ट्रांजिस्टर कितने मोड्स पर काम करता है। तो कल हमने देखा था कितने मोड्स पे काम करता है, चार मोड्स पे काम करता है, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन एंड इन्वर्टेड मोड। ठीक है, उसमें बीच में हमने सैचुरेशन और कट ऑफ की बात करी थी, तो इसमें ओपन एंड क्लोज की बात करी थी कि एक्ट एज ए ओपन सर्किट, एक्ट एज ए क्लोज सर्किट। तो एक क्वेश्चन कभी कभार और पूछता है, ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच कैसे वर्क करता है, तो एक्टिव रीजन एंड सैचुरेशन रीजन ही वहां पर आपको एक्सप्लेन कर देना है अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो। एक्टिव रीजन में तो नहीं होता, सैचुरेशन और कट ऑफ में एक्ट एज ए क्लोज सर्किट और एक्ट एज ए ओपन सर्किट हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बात हो गई ट्रांजिस्टर की। अब आप लोगों ने, मैं किसी ने मुझे बोला था कि नंबर सिस्टम जो है कन्वर्जन वाला वो पूरा रिपीट करना है, तो कल सैटरडे है तो कल अपन नंबर सिस्टम पूरा रिपीट करेंगे। अभी टाइम है तो अपन एक शॉर्ट में बात करते हैं कि कोई भी डेसिमल नंबर है और उसको बाइनरी में चेंज करना है तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा 8421। ये मैंने पहले भी बताया था 8421, ये आपको याद रखना है, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अगर मान लो आपको 14 का बाइनरी निकालना है, 14 का बाइनरी निकालना है कितना होगा, तो देखिए 8 हमने यूज किया, हमें 14 चाहिए, तो 8 और 4 12, 12 और ये 2 14, तो 8 के नीचे लिखेंगे 1, 4 के नीचे लिखेंगे 1 एंड 2 के नीचे लिखेंगे कितना लिखेंगे अपन 1, 8 4 12, 12 और 2 14, 1 यूज किया क्या, नहीं यूज किया हमने, तो हम उसके नीचे लिख देंगे 0। अगर ऐसे ही आपको बोला जाए कि 20 का बाइनरी निकालिए, 20 का बाइनरी निकालिए 20, तो यहाँ देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, और हमें चाहिए कितने का, 20 का। उस केस में हमें क्या करना है, 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 और 8 का डबल कितना होगा 16। अब मुझे चाहिए इसका, किसका, 20 का बाइनरी नंबर। 20 का बाइनरी नंबर कैसे निकलेगा, देखिए हमने अगर 16 को लिया तो 16 पूरा ले लेंगे,
इसके बाद 8 लेंगे तो 16 हो रहा है 24, लेकिन हमें कितना चाहिए 20 चाहिए, तो ये 16 यूज होगा और ये 4 यूज होगा, तो मतलब 16 के नीचे आप लिखोगे 1, 8 यूज नहीं करा तो 0 हो गया, 4 यूज किया है आपने तो 1 लिखेंगे, 2 यूज किया नहीं किया तो 0 लिख दो, और 1 यूज किया क्या नहीं 0 लिख दो, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, जब भी बाइनरी नंबर आते हैं कन्वर्जन आता है तो ये आपको बहुत मदद करेगा। जैसे सपोज एक और कोई लेते हैं, अगर हमें 8 का बाइनरी चाहिए, सिंपल 8 का बाइनरी चाहिए, तो 8 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, यहाँ मिल रहा है, तो 8 के नीचे हम लिखेंगे 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 0। अगर मैंने बोला कि 17 का बाइनरी चाहिए मुझे, 17 का बाइनरी चाहिए, तो 17 मुझे कहाँ मिलेगा, देखिए इसमें यहाँ पूरे में 17 कैसे आएगा, 16 प्लस 1 करूंगा तो क्या मिल जाएगा 17 मिलेगा, तो 16 के नीचे अपन कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, और 1 यूज किया है तो ये हो जाएगा 1। तो ऐसे आप कोई भी बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं अगर आपको डेसिमल मालूम है तो। तो चार सिस्टम होते हैं, पहला होता है बाइनरी, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है हेक्साडेसिमल, और अगला होता है डेसिमल। तो ये कन्वर्जन हमको कभी कभार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, किसका बाइनरी नंबर कितना होगा, इसका बाइनरी, इसका हेक्साडेसिमल कितना होगा, इसका ऑक्टल कितना होगा। तो कल जो क्लास होगी वो इसी पे होगी, ये कन्वर्जन अपन कल कवर करेंगे, ठीक है। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट नहीं किए हैं वो लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लें और मुझे सेंड कर दें, ठीक है। अभी आज आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट और मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 6, ठीक है। ओके, थैंक्स।